नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर अपराधियों में अपराध करने वाले अपराधियों पर पुलिस कसी कंजा कसता जा रहा है। पुलिस को सरिया चोर गैंग का पर्दाफाश करने में सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने 6 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सरिया चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी इतिहास सागर जैन ने बताया कि थाना बड़गांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरिया चोर गैंग का पर्दाफाश किया है, जहां शातिर अभियुक्त इकबाल अब्दुल रहमान, अफजाल उर्फ आफ्ताब, कोमल उर्फ रोहित पुत्र सतीश, त्रिलोकी पांडे पुत्र रामधनी पांडे, वेदांत पुत्र देवेंद्र, गौरव पांडे पुत्र वीरेंद्र पांडे को 26 अगस्त से 27 अगस्त 2023 को विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर गिरफ्तारी बताते हुए माननीय उच्च न्यायालय व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश निर्देशों का पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अफजाल के विरुद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों में जालसाजी, चोरी, डकैती, बलवा, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर आदि के विभिन्न अभियोग पंजीकृत हैं। पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर 44.85 कुंतल सरिया बरामद किया गया है। अवगत कराना है कि थाना बड़गांव पुलिस ने एक अंतरराज्यीय सरिया चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है आज, जिसमें आज कुल 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और एक अभियुक्त अभी भी फरार है। यह एक कंपनी है ऑल ग्रेस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये बड़गांव से नागल तक का देहरादून दिल्ली हाईवे जो रोड है, इसका इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है करीब 40-45 किलोमीटर का रोड बनाने का। तो इन्होंने अपनी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए खड़गपुर वेस्ट बंगाल से एक कंपनी है मेटल की, वहां से करीब 40 टन लोहे का सरिया मंगवाया था, जिसको वहां पे एक रिटको लॉजिस्टिक्स नाम की जो हरियाणा की ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वहां के एक मुंशी ने उसे लोड करवाया और वहां से वो सामान लेकर निकल गए। यहां पर अवगत कराना है कि गाजियाबाद में इन्होंने करीब 4 टन करीबन 360,000 रुपए के 44 कुंटल 4.4 टन जो है लोहे का सरिया औद्योगिक क्षेत्र गाजियाबाद में, वहां पे ड्राइवर और चोर की जो गैंग है इन लोगों ने आपसी आपराधिक षड्यंत्र करके उतरवा दिया और बचा हुआ जो शेष माल है इसको जो ऑल ग्रेस डेवलपर्स है जो बुलवाने वाली कंपनी है इसके पास लेके चले गए। जब इस कंपनी ने अपने धर्म कांटे पर इसको वेट करवाया, तुलवाया, तो ये इसका वेट एग्जैक्ट 44 ही आया। निकलवाने वाला जो उतर गया माल है इसको इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक चिप वहां पर इंसर्ट करी थी जिसको ये मैनुअली कंट्रोल कर सकते थे और जितना इन्होंने सरिया वहां से निकाल लिया उसको बढ़ाकर एक फ्रॉडुलेंट तरीके से उसको उतना ही वेट दिखाया जितना वहां से चला था। इस पूरे गैंग में ट्रांसपोर्ट कंपनी का एक अभियुक्त है गौरव पांडे, जो लोड कराने में जिसने सूचना दी, दो इसमें मेन चोर गैंग के सदस्य हैं अफजाल और साजिद जिन पे पूर्व में भी मुकदमे हैं, तीन इसी कंपनी में काम करने वाले जो धर्म कांटे में नियुक्त व्यक्ति हैं जिनका नाम है कोमल, त्रिलोकी पांडे और वेदांत, ये तीन भी शामिल हैं। तो टोटल 7 लोगों का ये गिरोह है जिसमें से कि 6 गिरफ्तार कर लिए गए हैं और एक अभी भी अभियुक्त साजिद नाम का फरार है और ये बड़ी सफलता पुलिस को इसमें मिली है और जिसमें कल और आज सुबह में ये टोटल 6 गिरफ्तारी की गई हैं। करीब 360,000 का जितना माल गया था 44.85 कुंटल 100% इसमें बरामद किया गया है। साथ ही धर्म कांटे में लगी हुई 2 चिप जिसके माध्यम से ये लोग वेट को कंट्रोल करते थे वो भी बरामद की गई है और आज इन 6 लोगों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। सर, मास्टरमाइंड कौन है जो ये चिप बनाता था या लगवाता था? जी, इसमें मेन मास्टरमाइंड 2 लोग हैं, अफजाल और साजिद, और यही लोग जो हैं ट्रांसपोर्टर के कांटेक्ट में आकर, मुंशी के कांटेक्ट में आकर, ड्राइवर के कांटेक्ट में आकर और जो कंपनी में जहां पर माल आ रहा है उसके कुछ लोगों को अपने हिस्से में लेकर आपसी जो भी प्रॉफिट आता था ये चोरी का ये आपस में डिवाइड करते थे और इसको शेयर करते थे। जी, अभी इसकी विस्तृत हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अफजाल है ये गाजियाबाद कमिश्नरेट से पहले भी कई बार जेल जा चुका है, ये वहां का गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा इस पे हो चुका है और पूर्व में भी चोरी और बलवे के इस पे मुकदमे हैं और इन्होंने कई जगह भी चोरी की होगी जिसकी हम लोग अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। साजिद फरार है? जी, साजिद फरार। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।